हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक तो सबसे पहले बात करेंगे पेट 2022 के बारे में, और पेट के बारे में कि यूपी पीईटी के बारे में कुछ भ्रांतियां चल रही हैं उसके बारे में, और लेखपाल का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। आपके लेखपाल का जो पेपर होने वाला है 31 अगस्त को, उस वाले लेखपाल का जो है आपके लेखपाल पेपर का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, उस पर बात कर लेंगे। और ये बात करेंगे जो पोस्ट वायरल हो रही है 2 दिन से, इस पोस्ट को आप देखेंगे लगभग बहुत सारे चैनलों पर आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर की ये पोस्ट है अमर उजाला की, कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या 3 साल तक वाकई में पेट को वायलेट करने की बात चल रही है, उस पर कोई पेपर में विज्ञप्ति आई है, उससे पेपर में कोई सूचना आई है, या पेट की सच्चाई क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी हो सके वायरल पोस्ट क्या सही है या गलत है, इसके बारे में आपको पुख्ता और सही जानकारी मिल सके। दिखाया गया यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें दिया गया है कि 12 बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। अब एक ही बार प्रारंभिक परीक्षा देकर के 3 साल उसका जो है स्कोर आपका वैलिड रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। और इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन जानकारी जो भी चीज़ें हैं वो सब तक आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ आपके लिए एक और सूचना है, अगर आप पीईटी 2022 का पेपर देना चाहते हैं, अच्छे से देना चाहते हैं, तो आप सरस्वती पब्लिकेशन की एक बुक है, इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिए। मार्केट में आपको मिल जाएगी, किसी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर लगभग 2100 प्रश्नोत्तरी दी गई है, 14 आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 2 पुराने वर्षों को प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 5 जो है वो व्याख्यात्मक आपका हल करके दिया गया है। तो ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट आपको कितने सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, आप इसको यहाँ से देखकर जरूर लगाएं। और सभी प्रैक्टिस सेट का व्याख्यात्मक हल दिया गया है आपके सामने है, व्याख्यात्मक हल एक एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताया गया उस क्वेश्चन के बारे में, उससे और संबंधित 2-3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो यहाँ पे करा दिए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो पब्लिकेशन है, इसमें लेखपाल की बुक आपको मिल जाएगी, लेखपाल ग्राम समाज हिंदी, इन सबकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से या ऑनलाइन, या इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक वो भी दे दिया, वहाँ से भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे। और इसके अलावा टीजीटी हिंदी के लिए और टीजीटी कला के लिए देख रहे हैं आप, टीजीटी कला की भी इनकी जो है प्रैक्टिस सेट और बुक्स निकाली गई हैं, इसको भी आप यहाँ पर जाएँ, इसको जरूर देखें, इसमें अध्यायवार आपको प्रश्न मिलेंगे। और ये टीजीटी हिंदी है, टीजीटी हिंदी भी आपको इनके एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप यही बुक परचेज कर सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि पेट 2022 का जो भी चल रहा है उसके बारे में, कि कब तक फॉर्म भरा जाए, क्या चीज़ें हैं, लेखपाल के एडमिट कार्ड के बारे में, वायरल पोस्ट क्या है उसकी पूरी जानकारी, परेशानी का सबब बना हुआ है जो सब लोगों के लिए कि वायरल जो पोस्ट चल रही है क्या है। UP SSC ने नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता हुई खत्म, ऐसा जो है ये एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसकी कटिंग के बारे में दिखाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें दिया गया है कि 12 बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी, अब एक ही बार प्रारंभिक परीक्षा देकर के 3 साल उसका जो है स्कोर आपका वैलिड रहेगा, कि 3 साल तक आप मुख्य परीक्षा दे सकेंगे एक बार पेपर देकर, वर्ष में 2 बार होगा पेट, इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा है कि ये जानकारी आपकी जो है पता लगाने पर ये पता चला है कि ये जानकारी है तो आपको अमर उजाला की न्यूज़ अमर उजाला की है, ये सही है, लेकिन ये जानकारी जो है हाल फिलहाल की कोई जानकारी नहीं है, इधर करंट में कोई जानकारी नहीं आई है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। ये आप मान के चले 2020 मार्च के आसपास का न्यूज़ है, ये पुरानी न्यूज़ है, जब पेट को लेकर के बातें चल रही थी कि पेट कराया जाएगा तो क्या प्रारूप होगा, पेट को कैसे लागू किया जाएगा, कितने साल तक वैलिड होगा उसका स्कोर, कितनी बार कराया जाना है, क्या स्कोर रखे जाएंगे, किस तरह पेट को कराया जाना चाहिए, वो सारी बातें जब चल रही थी तब का ये न्यूज़पेपर में जो भी उनसे बातें हैं, जो भी चीज़ें होती रहती विज्ञापन पदों के बारे में ये सब आती रहती, तो वो सब चीज़ें हैं ये। तो आप लोग इसके लेकर निश्चिंत हो जाएँ कि पेट जो है वो 3 साल वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पेट 3 साल वैलिड नहीं होगा, ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, पेट 1 साल ही वैलिड होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें पीटी 2022 का, अगर आपके 21 में बहुत अच्छे नंबर, तब भी आपको 22 में भी अच्छे नंबर लाने हैं अगले एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो आपका लेखपाल का वैकेंसी आने वाला हो जो भी नहीं आएगी, इन सबको 2022 पेट के आधार पर ही कराया जाएगा। तो आपको पेट 2022 में ध्यान से पढ़ना है, और अच्छा स्कोर लाने के लिए हमने आपको बताया, अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिस पब्लिकेशन का हमने बताया सरस्वती पब्लिकेशन का, वहाँ भी आप जाकर खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए सही जानकारी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल के एडमिट कार्ड पे। तो लेखपाल के एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है, तो लेखपाल का एडमिट कार्ड आपको आज रात को यानी कि 23 जुलाई को रात में 9 बजे के पहले या तो ये मिल जाएगा आपको, अगर आज नहीं आ पाता है, क्योंकि कल संडे है तो संडे को नहीं होता है ये सब काम, आयोग बंद रहेगा, तो आप मान के चलें कि मंडे को आपको ये जो एडमिट कार्ड है ये देखने को मिलेगा। अगर आज आ जाता है शाम तक तो ठीक है, वैसे चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि संडे पड़ रहा है, तो हो सकता है 23 को ही ये लोग जारी कर दें एडमिट कार्ड शाम को। अगर नहीं जारी कर पाते 9 बजे के पहले, तो ये आपको मिलेगा देखने को 25 तारीख को, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना ध्यान रखें, आपको तैयारी कैसे करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है जो कि सही और ऑथेंटिक होती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।